भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। बेटा मुझसे क्यों मांग रहा है, अपने घर जाके खा ले। भाई मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं अपना पेट भरने के लिए खाना मांगता हूँ। मेरा भी कोई नहीं है, मेरा भाई बन के मेरे साथ मेरे घर चलेगा। हाँ भाई चल। बेटा तेरा पढ़ाई करने का बहुत मन है ना, तो मेरी कसम खा, पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल में छोड़ दूंगा, वहाँ खूब जमकर पढ़ाई करना, और जब मैं वापस आऊँ तो मेरा भाई एक मुझे बड़ा इंसान चाहिए। प्रॉमिस कर। प्रॉमिस भैया। थैंक यू भैया। पढ़ाई कर। भाई तू जा कर रहा है, तूने मेरे को बताया नहीं। यार अपने भाई के फ्यूचर के लिए मुझे सब काम छोड़ने पड़ेंगे, कभी किसी को फैमिली का कुछ नहीं समझा, लेकिन जब खुद एक छोटा भाई मिला तब फैमिली का प्यार होता क्या ये समझ में आया। तेरा भी तो छोटा भाई है, तू ही सब काम ही नहीं छोड़ देता। भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो तू ही है। ये बात भी ठीक है, लेकिन मुझसे एक वादा कर, कभी मेरे भाई को मेरी कमी महसूस नहीं होने देगा। चल ठीक है यार, किया वादा। ये बनेंगे पढ़ लिख के प्रधानमंत्री। चलना भाई इनके मजे लेते हैं। ओए पढ़ाए घंटो, इधर आओ। भाई आप लोग को तमीज नहीं है कि लोगों से किस तरह बात की जाती है? आपकी माँ बाप ने आपको यही सिखाया? तुझे पता है मेरा भाई शहर का सबसे बड़ा बदमाश है। और मेरे भाई ने क्या सिखाया मुझे, जो बंदा भी तुझसे फालतू बोले ना भाई, चल फुटिया से। भाई आपने इन लोग को कुछ बोला क्यों नहीं? भाई मेरे भाई ने बोला पढ़ लिख के अच्छा इंसान बन, अगर मैं भी इनके हाथ उठाता तो इनमें और मुझे फर्क क्या रहता। वैसे चल छोड़ यार। अबे ये कौन है? भैया आप इतने सालों से आप कहाँ चले गए थे? अगर पता होता इतने साल लगेंगे तो कभी नहीं जाता। अरे देखने दे मेरा भाई कितना बड़ा हो गया। ये उंगलियों के निशान कैसे? भैया जब हम आज ट्यूशन से आ रहे थे ना, तब कुछ लड़कों ने इसको खामा खा मारा। चल मेरे साथ चल। नहीं भैया। क्यों? वो लोग कह रहे थे कि उनके भाई बहुत बड़े बदमाश है और आपको कुछ हो गया तो। अरे वो भी तो किसी का भाई होगा, और मुझे पता है वो मेरी बात अच्छी तरीके से समझ जाएगा। अब चल। बेटा इन लड़ाई झगड़ों में कुछ नहीं रखा, और तुम्हारी उम्र में तो ये सब करना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारे सामने हाथ इसलिए जोड़े हैं क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। उम्मीद है तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और आगे से ये काम नहीं करोगे। चल बेटा। पट्टू का भाई पट्टू। बेटा तू चल, मैं अभी आया। बेटा तुम जिसे फट्टू बोल रहे हो ना, अब उसकी सुन, दुश्मन भी मेरे मुरीद थे, हर वक्त मेरा नाम लिया करते थे, निकलते थे लेके गलियों से खंजर, लेकिन सामने आने पर मुझे सलाम किया करते थे, सुधर जाओ वरना कभी सुधरने का मौका भी ना मिले, बच्चे हो बच्चे बनकर रहो। शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, चलता हूँ। Oh, 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 oh,
आज एक बंदे ने ना सबके सामने बेइज्जती मार दी भाई, आपके बारे में मालूम होने के बावजूद भाई। उस बंदे के भाई को मैंने जैसा बोल क्या दिया, उसने सबके सामने बेइज्जती मार दी भाई। मुझे उसमें गेम बजाना है। लगता है वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है, उसको मार दे उसका भाई खुद मर जाएगा। ये ले। भाई वो आज फिर भाई जल्दी चलो। जैमी भाई भाई, जिमी को भी मार देता ना तो ठीक रहता। जिमी? हाँ भाई। यही था क्या वो? हाँ भाई, लेकिन आप इसे कैसे जानते हो? अबे यार तू जानता है इसको कौन है? जहां मेरे हाथ नहीं चलते थे ना वहीं चाकू से बात करता था। मार। चलते हुए बंदों को गोली मार दिया करता था। घर में घुस के मारना इसका शौक था, पब्लिक में इसका खौफ था। अपने भाई के फ्यूचर के लिए इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। बोला था ना सुधर जा, अब तुझे पछतावा होगा। कितनी भयानक मौत मरने के लिए तू इस दुनिया में आया ही क्यों? भाई गलती होगी यार, माफ कर दे। अमित तू ये तेरा भाई है? सोच यार तेरे भाई ने आज मेरे भाई की जान ले ली, उसकी जिम्मेदारी में तुझ पर सौंप कर गया था ना। सोच जिस भाई के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, जिसने उसकी जान ली मैं उसके साथ क्या करूंगा? देखेगा लगता तेरा भाई तो हिसाब पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर दबा के कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाना। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और भाई के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, अमित लाडला फिल्म्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक नंबर की वाइंस बनाते हैं गाइज, चेक जरूर करना भाई की वीडियो को। लव यू गाइज, लव यू, जय श्री राम राम।